मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं हूँ और एक नई इंटरेस्टिंग जगह में, जो कि है मेरे पीछे, आप देखिए। आज मैं आई हूँ अंडमान टूर के लिए। तो आज है मेरा फर्स्ट डे, अभी जस्ट मैंने लैंड किया है। सुबह के बज रहे हैं 10:30। तो चलिए अभी आज पहले होटल चलते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि हम आज के दिन कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, देन फील फ्री टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, स्टे ट्यून्ड विद अरुणा। कोलकाता से अंडमान जाने के लिए बहुत से फ्लाइट है, लेकिन हमने लिया था स्पाइस जेट, जो कि हमारा सुबह सुबह का फ्लाइट था। सुबह 8:30 को हमारा फ्लाइट था यहाँ से, तो हम पहुँच जाएंगे 10:30 के करीब, यानी कि 2 hours 5 to 10 minutes लगते हैं ड्यूरेशन। तो चलिए अभी एयरपोर्ट की तरफ। आफ्टर 2.5 hours की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अभी पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। तो चलिए अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत है एयरपोर्ट। देखिए कितना नीट एंड क्लीन है और बहुत ही कम क्राउड है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो चलिए अभी निकलते हैं बाहर, उसके बाद हम लेंगे हमारी कैब और चलेंगे होटल की तरफ। और अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लीजिएगा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लेते हैं तो आप एक दिन पूरा कवर कर सकते हैं, यानी कि पोर्ट ब्लेयर आप एक दिन घूम सकते हैं। तो हमारे कैब वाले भैया पहुंच चुके हैं, तो चलिए अभी चलते हैं होटल की तरफ। हेलो एवरीवन, अभी मैं पहुंच गई हूँ होटल। तो होटल पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 minutes लगे हैं। यहाँ पर ये आज है पोर्ट ब्लेयर में, तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे। 2 days हम पोर्ट ब्लेयर में रुकेंगे, तो हमारा होल ट्रिप है 7 days and 6 nights का। तो 2 days पोर्ट ब्लेयर है, तो आज करेंगे लोकल टूर। तो सब कुछ हम म्यूजियम वगैरह देखने के बाद हम जाएंगे सेलुलर जेल देखने। तो ये हमने बुक किया है booking.com से होटल, जो कि होम स्टे है। तो अगर आप आते हैं तो ये बुक कर सकते हैं। होटल का नाम है ओशन व्यू। तो मेरे होटल से जो बैल्कनी है, वहाँ का व्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो रुकिए, आपको दिखाते हैं। तो ये है बाहर का व्यू, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है व्यू। तो चलिए अभी चलते हैं घूमने। तो यहाँ पर घूमने के लिए 2 ways है, बाय स्कूटी या फिर कैब। आज बहुत धूप है तो हम कैब लेने वाले हैं, और यहाँ पर ओला उबेर नहीं चलते हैं, और फ़ोन का नेटवर्क फुल रहता है। जियो लीजिए, वोडाफोन लीजिए, जो भी आप लेके आते हैं, फुल नेटवर्क है। आप फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर घूमना है, टूर लेना है, तो आप होटल से ही बुक करिएगा। नहीं तो अगर आप एयरपोर्ट में जब उतरते हैं तो वहाँ पर आपको कैब वाले भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी चल। अभी हम आए हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन, जो कि सेलुलर जेल है। तो ये बनाया था 1906 में ब्रिटिश ने, जिसको काला पानी जेल भी कहा जाता है। और अभी हम इसके अंदर जाएंगे। तो इसके जाने से पहले हमें टिकट लेनी होती है, तो वो है टिकट काउंटर। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। इधर आओ, कितना है टिकट का प्राइस? 30 rupees per person। 30 rupees per person। अच्छा, और लाइट एंड लाइट शो का डिफरेंट टिकट
बोलो 5:30, 6:30, 7:30। अच्छा वो डिफरेंट टिकट है ऑनलाइन। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। छोटा सा म्यूजियम है जो कि सेलुलर जेल के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ पर अंडमान इन ओल्ड डेज के सारे फोटोज वगैरह है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ जेल, फिर गवर्नमेंट ऑफिस जब बने थे स्टार्टिंग में, और प्रिजनर्स को जैसे ये रख रहे थे, तो सब कुछ फोटोज वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये सिर्फ 2 मिनट्स का वे है, आप देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं अच्छे से फोटोज, तो पॉज करके आप देख सकते हैं। कौन है दिखाओ? सचिन का नाच सेनार। इसे ग्राउंड फ्लोर। ये 3 स्टोरीज बिल्डिंग है जो कि पूरा का पूरा सेल पूरा कैदियों के लिए बनाया गया था। वो भी 1906 में ब्रिटिश बनाए थे इसको, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को एक क्रूएल पनिशमेंट देने के कारण। तो चलिए हम देखते देखते हैं पूरा। ये एवरीडे ओपन रहता है 9 to 4। अगर आप आना चाहते हो तो 4 बजे से पहले आइएगा, और दोपहर को 1 घंटे के लिए बंद रहता है, क्योंकि लंच टाइम होते हैं उस टाइम में कोई भी यहाँ पर गार्ड वगैरह नहीं रहता है। इसीलिए आप उसे हिसाब से अपना टाइम मैनेज कीजिएगा, ताकि आप ये पूरा घूम सके।
चलिए अभी दिखाते हैं आपको वीर सावरकर सेल, जहाँ पर उन्हें रखा गया था वहाँ पर उनके कपड़े वगैरह भी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आपको लगभग 1 घंटे तो लगने वाले हैं, बहुत बड़ा है। अगर अगर आप घूमना चाहते हैं तो कुछ थोड़े ठंडे के टाइम में आइएगा, अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी है। हम आए हैं अभी मार्च एंडिंग में, तो आप भी देख के आइएगा, जनवरी फरवरी में आइएगा, तब उस टाइम में थोड़ा ठंडा रहता है। इसी से अच्छा, ये खाने के बर्तन, बाउल और ये ब्लैंकेट, ये सोने का बेड है। ऐसे थे ना। तो ये एक सेंटर टावर है जहाँ से हर एक सेल कनेक्ट होते हैं, जो मैंने आपको मिनी ब्लूप्रिंट में दिखाए थे, जो सेंटर टावर था बीच वाला जहाँ से हर एक सेल कनेक्ट होते हैं, तो वो ये है। अंदर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है? नहीं नहीं, कोई थोड़ा भी बढ़िया नहीं लगा। अंदर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, चलो अभी चलते उधर। अभी चलते हैं ऊपर वॉच टावर, जहाँ से पूरा व्यू अच्छे से दिखाई देता है और सी व्यू भी दिखाई देता है। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं देन फील फ्री टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलेगी मोटिवेशन ताकि ऐसे और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तो अभी आ चुके हैं हम ऊपर, जो कि है वॉच टावर। तो देखिए यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। सेलुलर जेल का ब्लॉग, तो ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था, डे वन इन पोर्ट ब्लेयर। तो अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो टिकट है 30 रुपीज़, तो थोड़े अर्ली आइएगा, वीडियो फोटो लेना है तो। और गर्मी बहुत है, छाता कैरी करिएगा और सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाइएगा। तो ये था फर्स्ट एपिसोड, यानी कि फर्स्ट ब्लॉग, जो फर्स्ट डे का पोर्ट ब्लेयर का। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं देन फील फ्री टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि होने वाले हैं म्यूज़ियम। तो पोर्ट ब्लेयर में फर्स्ट डे है, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं रख रहे हैं, थोड़े लोकल टूर करेंगे, थोड़े म्यूज़ियम घूमेंगे और उसके बाद आज जो ये था सेलुलर जेल। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो मैं फिर मिलूंगी आपके साथ और एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हैप्पी, टिल देन बाय बाय।